और ये जो सेटअप टूर जो है ना, मैंने बड़े शौक से बनाया है। प्लीज़ ब्राय मेहरबानी किसी दूसरे यूट्यूबर के साथ ये कंपेयर मत करना। और अस्सलाम वालेकुम, मैं मिडिल क्लास उस्मान भी। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय सेटअप टूर, लेट्स गो। इस वीडियो में जो है मैं आपको अपना सेटअप टूर दिखाऊंगा और सेटअप टूर किस रूम में वो सारा आज मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जो आपको मैं दिखाऊंगा ये अपनी LCD, ये नहीं मुझे पता कि कितने इंच की है लेकिन चीप है मेरे लिए जो है ना, ये बेस्ट है। आपको मार्केट से जो है ये 5,000 तक, 4-5,000 तक मिल जाएगी, वो भी इजीली। और उसके कंप्यूटर के बाद मैं आपको दिखाता हूँ LCD के बाद ये अपना कीबोर्ड वगैरह। अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये मुझे कब मिला था। तो ये वैसे ही डब्बे में पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि पड़े पड़े कहीं खराब ना हो जाए, कोई ऐसी तार वगैरह आगे पीछे या कोई टूट ना जाए, तो मैंने कहा कि इसे यूज़ करते हैं। तो जिसकी वजह से जो है मैंने इसे निकाल लिया, पूरे 2-3 महीने हो गए इसे यूज़ करते हुए, 1-2 महीने हो गए और मैं इसे यूज़ करता हूँ। और उसके ऊपर जो है एडिटिंग करने का भी बहुत मज़ा आता है इसके साथ। ये रहे मेरे हेडफोन, आप देखें, इसे लगा के मैं अकेला कमरे में बैठा होता हूँ और इसे लगा के जो है मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करता हूँ। और उसके बाद ये जो मेरा सिस्टम है इसमें जो है सिर्फ 4 GB रैम है, सच बता रहा हूँ और मैं झूठ नहीं बोल रहा। पहले जो थी 8 GB थी, 4 GB रैम जो थी ना वो ख़राब हो गई। अब मेरे पास जो है ना 4 GB रैम रह चुकी है इसके अंदर। और इसको अंदर से खोल कर वो भी मैं आपको सारा अभी दिखाऊंगा। तो उसके बाद जो मैं आपको रूम दिखा दूँ कि मेरे रूम में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाऊं और दीवार में क्या कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, मैं वो चीज़ें बता देता हूँ। मेरे पास ये कुल ये दीवार पे लगे हुए हैं, ये 4 पारे ये लगे हुए हैं दीवार पर। उसके बाद ये मदीना शरीफ लगा हुआ है, सामने भी मदीना शरीफ और नीचे चांद बना हुआ, उस पर दुरूद शरीफ लगा हुआ और साथ ही नालैन पाक है। और इधर भी जो है नक्श नालैन मुबारक है। और ऊपर जो है खाना काबा वगैरह बना हुआ, उसके ऊपर दुरूशरी वगैरह लिखा हुआ है। ये चीज़ें मेरे रूम में लगी हुई हैं। और ये है मेरा कंप्यूटर, मैं आपको बता देता हूँ उसमें मैं क्या क्या चीज़ें करता हूँ। मैं इसमें ज़्यादा एडिटिंग करता हूँ, वीडियो अपलोडिंग वो भी इससे ही होती है अपलोडिंग। और उसके बाद जो है कमेंट वगैरह जो पढ़ने होते हैं ना वो मैं इसी के ज़रिए ही पढ़ता हूँ। और उसके बाद YouTube भी इसमें चल जाती है, नेट लगा हुआ है। और मैं ये काम करता हूँ इसमें कि लाइव स्ट्रीम देखने लग पड़ता हूँ, कुछ PUBG की वीडियो देख लेता हूँ किसी की अगर अच्छी लगे तो, ऐसे मेरा टाइम पास होता रहता है। बाद में मैंने ट्यूशन चल जाना है, ट्यूशन में से रात के 8:30 बजे मैं आता हूँ। इस पर जो है गेम हो नहीं सकती इसलिए जो है ना मैं लाइव स्ट्रीम देखता हूँ। पहले कोशिश की थी मैंने कि हो जाए लेकिन नहीं, कंप्यूटर का ही मसला था। अगर मैं गेम करता इसमें कोई तो ना तो Adobe चलनी थी और ना ही ये गेम चलनी थी, मैंने दोनों से ही चले जाना था। मोस्टली जो मैं अपनी चेयर यूज़ करता हूँ वो भी हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरी, और ये जो सेटअप टूर जो है ना मैंने बड़े शौक से बनाया है। प्लीज़ ब्राय मेहरबानी किसी दूसरे यूट्यूबर के साथ ये कंपेयर मत करना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना क्योंकि आप लोगों को भी पता है शेयर करने से बहुत सारे रिश्ते आपस में जुड़ते हैं। और अब जो है ना आपको डिटेल से ना अपने PC की कहानी भी बता देता, इसमें जो है 4 GB रैम है, 500 GB का डिस्क है। और उसके बाद जो है इसके अंदर ना कोई ग्राफिक कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ। मैं नहीं आपसे झूठ बोलूँ या वैसे करूँ, ग्राफिक कार्ड इसमें कुछ भी नहीं है, Adobe चलता है। कभी कभी जो है Adobe ये क्रैश भी हो जाता है जिसकी वजह से मेरा जो पूरा ब्लॉग 5 मिनट का 10 मिनट का ज़ाया हो जाता है। तो उसमें मुझे बहुत टेंशन होती है, फिर आपको पता है कि दोबारा एडिट करना ही पड़ना होता है। और उसके बाद आप अंदर से देख ही रहे होंगे कि इसकी क्या हालत है। और इसकी आपको मैं सारे कंप्यूटर के अपने PC की मैक्सिमम प्राइस बताऊँ ना, 14,000 से 15,000 रुपये तक ये आपको मिल जाएगा सिंपली। और उसके बाद जो हमने देखिए डेक वगैरह रखे हैं, अगर हम 2 या 3 जने बैठे हों तो मैं हेडफोन नहीं लगाता,
डेक ही लगा के एडिटिंग करता हूँ, या कुछ देखना होता है तो डेक ही लगा देते हैं। इसमें जो है ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आप देख रहे हैं दो फैन लगे हैं और मदर बोर्ड है, और ये है इसकी पुरानी वाली 4 GB की रैम जो कि ख़राब हो चुकी थी, इसे जंग लग गया आगे हमारे किसी काम की नहीं है। और अंदर ये मेरा कभी कभी जो है साथ बहुत ही ज़्यादा दे जाता है, और कभी कभी ये साथ मेरा बिल्कुल नहीं देता है, जिसकी वजह से हमें कभी कभी 4 मरतबा भी एडिटिंग करनी पड़ी है, कभी लाइट चले गया, कभी इसका अडोबी क्रैश हो गया, कभी कुछ और कभी कुछ, हमने 4 मरतबा एक वीडियो एडिट की। तो ये आप देख रहे हैं पीसी के अंदर भी 2 फैन लगे हुए हैं, तो हम लोगों को भी 2 फैन ही चाहिए, एक जो छत पे चला लगा हुआ है और उसके बाद एक तो और है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपने मेरा देख लिया होगा लाहौरी कूलर, और जब मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है तो मैं इसे चला लेता हूँ, उसके बाद ये जो है ना पूरा कमरा ठंडा कर देता है। अगर आपको ये मेरी पीसी वाली वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ जुम्मा भी है, नहा के जुम्मा पढ़ने भी जाना है।